हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज मैं चलती हूँ आपको घुमाने के लिए रांची से 150 किलोमीटर दूर चतरा ज़िले के इटखोरी ब्लॉक में एक मंदिर है जिसका नाम है भद्रकाली मंदिर। माना जाता है कि यहाँ 3 धर्मों का समागम है, सनातन, बौद्ध एवं जैन धर्म। ये मंदिर में सबसे पहले हम पहुँच कर लेते हैं एक लाल फूलों की माला, उड़हुल फूल की और एक कमल का फूल, और हम चल दिए माँ भद्रकाली के मंदिर में। और ये मैं आप सबको हाय करती हुई। ये हमारा भर माँ भद्रकाली का खूबसूरत सा मंदिर, आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है। ये मैं भारती दी के साथ, अकेले तो मैं ट्रैवल करती नहीं हूँ। ये मैं महादेव के नाम का तिलक लगाते हुए इटखोरी मंदिर गई और वहाँ का तिलक नहीं लगाया तो फिर मज़ा नहीं आता है। अब मैंने लगा लिया है, अब मेरी भारती दी भी लगा लेंगी और फिर हम चलेंगे आपको मंदिर में पूजा करने के लिए। तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो अब हम चल दिए धीरे धीरे पंचमुखी हनुमान मंदिर की तरफ। इसके अंदर हनुमान जी का 5 मुख का एक प्रतिमा स्थापित है, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में। और ये छोटा सा क्यूट सा बच्चा, वो छोटी सी बच्ची भी। और ये है शनि देव जी का मंदिर। बाहर एक शिला है जिसपे कि आपको तिल का तेल दिया जाता है दिया जलाने के लिए। और ये अंदर मंदिर की तरफ जाते हुए हम लोग आप देख सकते हैं कि यहाँ के मंदिर के मूर्तियों की एक जो विशेषता है ना, सारे जो प्रतिमा है वो काफ़ी कीमती काले पत्थर को तराश कर बनाई गई है और इसी से इनकी खूबसूरती सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये है शिव मंदिर, आप कह सकते हैं कि ये खुद में ही काफ़ी अनूठा है। यहाँ पर भी जैसे जैसे हम अंदर जा रहे हैं आपको खूबसूरती दिखेगी। थोड़ा सा इंतज़ार करते हुए, हाँ यहाँ पे एक ही पत्थर को तराश कर इसके अंदर 1008 शिवलिंग को बनाया गया है। तो अगर आप, जैसा कि हमें पंडित जी ने बताया था, एक ही बार में अगर आप जल ढार रहे हैं तो आप 1008 शिवलिंग का जलाभिषेक कर रहे हैं। तो आप खुद सोचिए कि एक ही दिन में पूजा कर लो और क्या। और ये मैं थोड़ा फ़ोटो सेशन करते हुए, ये भी ज़रूरी है, मैं कहीं जाऊं और फ़ोटो सेशन ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है। और ये मैं थोड़ी और एक्सप्लोर करते हुए अपने आप सबों के लिए ब्लॉग बनाते हुए। और यहाँ पे आ गए हम नारियल फोड़ने के लिए। यहाँ पे हम नारियल फोड़ कर उसका जो पानी है वो भगवान को अर्पित कर देते हैं। और ये जो सारा है ना, एक लड़की जब डाल रही थी तो पंडित जी ने समझाया कि सारा माँ का ही प्रतिमा है, आप कहीं एक बार एक जगह भी डाल दोगे तो माँ को मिल जाएगा। और ये मैं अपने ड्रेस से बहुत प्यार करी, मुझे ये ड्रेस बहुत खूबसूरत लगा है, तो आई विल कीप फ्लॉन्टिंग दिस ड्रेस। आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत अच्छे से खुद को कैरी भी किया है, मुझे बहुत पसंद आया। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपको भी ये ड्रेस कैसा लगा। और अब हम चलते हैं प्रसाद पैक करवा लेते हैं भैया से जाके दुकान में। यहाँ पे भैया
जब नारियल पैक कर रहे थे तो ही कॉम्प्लीमेंटेड मी कि कभी भी नारियल में जब फल निकलता है तो आप बहुत ज़्यादा लकी होते हैं। तो मैंने भैया को बताया कि भैया ये लक मैंने खुद चूज़ किया था इसलिए। तो भैया स्टार्टेड स्माइलिंग। दैट्स इट। आप सब बताना नारियल का फल खाना किसको किसको पसंद है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज मैं चलती हूँ आपको घुमाने के लिए रांची से 150 किलोमीटर दूर चतरा ज़िले के इटखोरी ब्लॉक में एक मंदिर है जिसका नाम है भद्रकाली मंदिर। माना जाता है कि यहाँ 3 धर्मों का समागम है, सनातन, बौद्ध एवं जैन धर्म। ये मंदिर में सबसे पहले हम पहुँच कर लेते हैं एक लाल फूलों की माला, उड़हुल फूल की और एक कमल का फूल, और हम चल दिए माँ भद्रकाली के मंदिर में। और ये मैं आप सबको हाय करती हुई। ये हमारा भर माँ भद्रकाली का खूबसूरत सा मंदिर, आप देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है। ये मैं भारती दी के साथ, अकेले तो मैं ट्रैवल करती नहीं हूँ। ये मैं महादेव के नाम का तिलक लगाते हुए इटखोरी मंदिर गई और वहाँ का तिलक नहीं लगाया तो फिर मज़ा नहीं आता है। अब मैंने लगा लिया है, अब मेरी भारती दी भी लगा लेंगी और फिर हम चलेंगे आपको मंदिर में पूजा करने के लिए। तो आप मेरे साथ बने रहिए। ये भैया नारियल निकालते हुए, और ये है भद्रकाली माँ के मंदिर का एंट्रेंस या कि कह लीजिए प्रवेश द्वार। यहीं से आपको अंदर प्रवेश करते हैं। ये रहा नारियल का फल जिसका मैं बात कर रही थी, और ये कुछ तस्वीरें जो हमेशा मुझे याद रहेगी, मेरे जीवन के कुछ लम्हे जो मैं भारती दी के साथ बिताई हूँ। और ये खोर